नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम देव गुरु बृहस्पति हो रहा है 10 गुना शक्तिशाली और मिल रहे हैं इनको पापियों से मुक्ति। तो आपके जीवन में कुंभ राशि वाले बहुत कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो सुखों का दिन आपका आने वाला है, अब दुखों का दिन जाने वाला है। मतलब आप लिख लो कि जीवन में कौन कौन सा सुख जो है आने वाला है। प्रिय कुंभ राशि वाले, देखिए हो क्या रहा है। देव गुरु बृहस्पति जो है 21 जून को दोपहर का 1:19 से लेकर के 27 नवंबर 2023 तक अश्विनी नक्षत्र, जिसमें ये वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं, जो केतु का नक्षत्र है, इसको छोड़ करके भरणी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र होता है इसमें प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि देव गुरु बृहस्पति जो होते हैं आपकी कुंडली में द्वितीय भाव मतलब धन का और इसके अलावा जो है इनकम भाव यानी आय का होता है। जन्म कुंडली में आय का और धन का मालिक की स्थिति अच्छी हो जाए तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता। ऐसे भी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कुंभ राशि वाले, देव गुरु बृहस्पति इतना बलशाली ग्रह है कि इसकी तुलना में 9 ग्रह में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली करता हूँ। ऐसा इसलिए कि अगर किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा ना होना तो मनुष्य अपने जीवन में ना धन कमा सकता है, ना भाग्य उसका अच्छा हो सकता है, ना उसका वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है, ना उसकी स्पिरिचुअल और सामाजिक लाइफ अच्छी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं धन भाग्य और मनुष्य के जीवन में पुण्य के सीधे कारक होते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, हो क्या रहा था कि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र को जन्म कुंडली में लक्ष्मी का प्रदाता यानी लक्ष्मी का कारक माना जाता है और देवगुरु बृहस्पति जो है यह साक्षात विष्णु है, यानी विष्णु जी का माता लक्ष्मी के घर में जाना लक्ष्मी नारायणियों की शुभ उत्पत्ति के जैसा फल देने वाला रहेगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, निश्चित तौर पर 1 साल 3 महीने से राहु भी जो है तृतीय भाव पे गोचर कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि राहु आपके जीवन में बहुत कुछ नहीं सिखाया, निश्चित तौर पे 1 साल 3 महीने से अपने परायों का ज्ञान आपने सीखा, जीवन में इंडिपेंडेंट होकर के कैसे जिया जाता है यह भी आपने सीखा, आपके अपने जब साथ छोड़ गए तो आप वास्तविक सामाजिकता भी देखें, दुनिया में अच्छे और बुरे कितने प्रकार के लोग होते हैं यह भी आपने देखा, और जीवन में धन का क्या महत्व होता है आपने यह भी देखा। लेकिन कहते हैं ना कि मनुष्य के जीवन में जब रिपेयरिंग होता है लाइफ का तो बहुत सारे दुख भी सहने पड़ते हैं। यही राहु आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को भी खराब किया, यही राहु घर से भी दूर कराया, यही राहु गलत लोगों के प्यार अफेयर का चक्कर में भी फंसाया, और यही राहु जो है आपके जीवन में धर्म की अवनति करा करके कभी कभी अधर्म की ओर या सामाजिक ख्याति बिल्कुल खराब कर दिया। अब यहाँ पे बृहस्पति जो है प्रबल हो रहे हैं तो 21 जून से 27 नवंबर के मध्य में जैसे ही बृहस्पति प्रबल होगा सबसे पहला इसका सुधार रहेगा कि आप अपने वास्तविक जीवन पे पुनः लौटना चालू कर देंगे, आपके जीवन में आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, ऊपर वाले की कृपा से तालमेल ठीक होने चालू हो जाएंगे, आपके अंदर एक प्राकर्म निहित होगा। जहां आप नौकरी करते थे आपको छोड़ा दिया गया, जहां आप नौकरी करते थे फंसा दिया गया, सरकार से रिलेटेड भावनात्मक बस काम करके मित्रों से या रिश्तेदारों से सरकार का आपने काम किया वह पैसे को फंसा लिया गया, इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने चालू कर देंगे। तृतीय भाव पे बृहस्पति बैठने के कारण आप किसी से प्रेम करते थे या द्वितीय विवाह को लेकर के आप जीवन में निर्णय नहीं ले पाते थे या परिवार के लोग नहीं मानते थे, तो इसमें जबरदस्त सुधार के योगों को ठीक करना चालू कर देगा। सबसे ज्यादा लाभकारी फल यहाँ पे यह भी मिलने वाला है कि किसी कारण से परिवार के ही लोग आपके जीवन को बर्बाद कर दिए, आपके जीवन के गुप्त रहस्य दूसरों को बता करके उसको फायदा उठाने का साहस मिल गया, इन सभी चीजों से बाहर निकलना चालू कर देंगे। आपको लगता था कि परिवार बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अकेला जीवन कष्टकारी हो सकता है, तो आप इससे रिलेटेड भी बड़ा निर्णय लेंगे, या तो आप अकेले जिंदगी जिएंगे या पुनः पारिवारिक जीवन आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा लाभकारी खानदानी संपत्ति या प्रॉपर्टी का जो विवाद चल रहा था इसमें सुधार हो जाएगा।
इसके अलावा जो है आय स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ने से निश्चित तौर पे इनकम का सोर्स तो था पर कुछ खास नहीं था, तो अब आपके जीवन में इनकम के सोर्स बनेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी का मन चाह बंटवारा भी होता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा का संजोग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। आपके रिश्तेदार या परिवार आप कहीं ना तो कहीं विदेश में गमन कर रहे थे, तो उनसे जो दूरियां बनी थी इसमें तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा। द्वितीय भाव पे बृहस्पति का सप्तम भाव पे पंचम दृष्टि पड़ने के कारण द्वितीय संतान से सुखों में जो दिक्कतें हो रही थी यह सुधार होगा। द्वितीय संतान का सुख मिलेगा। द्वितीय संतान से दूरियां बनी हुई थी वह ठीक हो जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में सेपरेशन या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपके व्यापार में या कंपटीटर आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे, चारों तरफ आपकी विरोध हो रहे थे, इन सभी चीज़ में अचानक सुधार होना चालू हो जाएगा। आपका स्थानांतरण भी होगा। जनसभा या परिवार के सभा में जो आप अपमानित हुए, अब आपकी इज्जत बढ़नी चालू हो जाएगी। सबसे ज़्यादा लाभकारी बात यह है कि आप अपने ज़िंदगी में ऐसे तो 1.5 सालों में इंडिपेंडेंट होकर के 2 सालों में बहुत कुछ सीख लिए, लेकिन अब जो है खुद का व्यापार या खुद का कुछ इनकम का सोर्स खोलेंगे। मतलब जीवन में जो मजबूरियाँ रही हैं इसको आप धीरे धीरे दूर करना चालू कर देंगे। अदालती झगड़े या कोई केस मुकदमा जो होने की संभावना हो सकती है या पहले से हुआ पड़ा है, इसमें भी आप विजयी होना चालू कर देंगे। तृतीय संतान कंसीव करना चाहते थे, इसके लिए बहुत ही बेहतर गुड न्यूज बनता हुआ दिख रहा है। सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन ये है कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खुद की संपत्ति या वाहन परचेज करने जा रहे हैं अपने दम पे, अपने पैसों के दम पे। पिता का सहयोग चलो बहुत ही अच्छा मिलना चालू हो जाएगा। रिश्तेदारों से तालमेल आपके जीवन में बेहतर हो जाएंगे। एकाकी जीवन से बाहर निकल कर सुख हो जाएगा। अगर आप द्वितीय विवाह करना चाहते हैं, मैं लिख देता हूँ, अब धार्मिक कृत्य होंगे। परिवार के किसी धार्मिक कृत्य में आप जाएंगे भी और बहुत ही इज्जत और सम्मान भी मिलेगा। पुराने मित्रों का या पुराने लव लाइफ जो आपसे दूरियां बन गई थी, इसमें सुधार होंगे। सबसे ज़्यादा बात यहाँ पे है सीधी बात कि विवाह के रिश्ते ही नहीं आ रहे थे, इसमें सुधार होगा। एक जगह पे घसीटे जा रहे हो, कोई नई नौकरी व्यवसाय के योग नहीं बन पा रहे थे, अब आप लिख लो नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि भी हो रहा है। कुंभ राशि वाले, धन संचय होगा, गिफ्ट मिलेगा, धन के लाभ होंगे, इसके अलावा पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छा होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मोटापा जो बढ़ गया था इसमें कमी आनी चालू हो जाएंगी, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसा काम करते हैं, खास करके जुडिशियल से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, दैविक काम से रिलेटेड, या फिर मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं, या सामाजिक या पॉलिटिक्स में, तो आपकी अचानक से ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी। रुकी हुई शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, वसीयतनामा आपके सपोर्ट में आना चालू हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा लाभकारी बात यहाँ पे क्या है कि 27 नवंबर तक आप अपने जीवन में एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन करके बदलाव पैदा करने वाले हैं। और मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा ग्रह आए जो आपके जीवन को बदल दे। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, आप स्वयं देखिए कि कितना बेहतर आपके जीवन में लाभ मिलने वाला है। प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन जो है घर से निकलने से पूर्व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने के लिए। अगर आप गुरुवार के दिन जो है आटे का हलवा बना करके, माफ कीजिएगा, बेसन का हलवा बना करके गरीबों को खिलाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, लिख लो आप। इसके अलावा मैं आपको एडवाइस करूँगा कि राइट हैंड में पीतल का या तांबे का या सोने का एक कड़ा अवश्य पहन लीजिए। और लिख देता हूँ, जीवन बदलाव हो रहा है, बस एक ही बात बोलूँगा, थोड़ा क्रोध अहंकार पर नियंत्रण कर लीजिएगा। बाकी जीवन में कुछ दिक्कतें होंगी तो मैं तो हूँ ही इधर, मैं किधर जा रहा हूँ। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, आप स्वयं देखिए कि देवगुरु बृहस्पति का बदलाव आपके जीवन में कितना ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अनुरोध करता हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।